हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, हेल्पफुल रास्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रॉब्लम जो आ जाती है तत्काल टिकट करने में, वेटिंग चला जाता है जिसकी वजह से आप बाद में कैंसिल करते हैं या ऑटो कैंसिल हो जाता है लेकिन उसमें पैसे कट जाते हैं। दोस्तों उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि तत्काल टिकट कर रहे हो अगर सीटें भर गई हों तो कैसे आप बुक करेंगे इस तरह से कि तत्काल टिकट कन्फर्म हो, वेटिंग ना हो। दोस्तों इसी के ऊपर ये वह वीडियो लेकर आया हूँ, मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आज मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि कैसे फास्ट अर्जेंट टिकट बुक कर सकते हैं आप तत्काल, और आप कैसे बिना वेटिंग के तत्काल टिकट कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़रूरी होगा ये वीडियो आपके लिए। तो कहीं पर अगर आपने मिस कर दिया ये वीडियो तो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो तत्काल टिकट वैसे भी नहीं मिल पा रहे, बहुत मुश्किल से हो पा रहे, तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल हेल्पफुल रास्ता नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इसके कोई पैसे नहीं पड़ते, इसके कोई चार्जेस नहीं, एकदम फ्री है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप गूगल खोलेंगे, मैं एकदम शुरू से बता रहा हूँ कि कैसे आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है, और कन्फर्म टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप गूगल एक्सटेंशन टाइप करेंगे गूगल खोल के, तो यहाँ पर पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस तरह का, गूगल वेब स्टोर, क्रोम वेब स्टोर का, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप सर्च करेंगे तत्काल टिकट नाउ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तत्काल टिकट नाउ। मैं आपको बताऊंगा इसी में कैसे आप कन्फर्मी टिकट कर पाएंगे, वेटिंग का नहीं होगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्काल टिकट नाउ मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर सबसे पहली एप्लीकेशन एक खुल के आई है तत्काल टिकट नाउ की, इस तरह की खुल के आएगी। आप इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, ठीक है। डाउनलोड क्या करना है आपको, ऐड क्रोम करना है। इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टू क्रोम, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। ये बहुत ही कम समय में हो जाता है, मुश्किल से 3-4 मिनट लगता है इसको होने में, तो आप इसको ऐड कर लेंगे। और दोस्तों काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है ये, काफ़ी काम करता है। इसमें एक ट्रिक होती है कि अगर आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया है, टाइम ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से, तो आप एक टिक कर देंगे, उसमें आपका कन्फर्म ही टिकट होगा। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, वरना होगा तो कन्फर्म होगा, वेटिंग का नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऐड कर लिया है क्रोम में इसको, ठीक है। और उसके बाद ऐड करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा राइट साइड में सबसे ऊपर की तरफ, ये आप देख लीजिए, इस तरह का एक ऑप्शन बन के आ जाएगा, यहाँ पर मेनू इस टाइप का बन के आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे इसको, ठीक है। नया पेज खोल लीजिए, इस पर क्लिक करिए, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टिकट का, ठीक है। यहाँ पर ऐड टिकट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर ऐड टिकट पे जब जाएंगे तो पूरा IRCTC का लॉगिन के साथ पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर यूज़र नेम और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, IRCTC का यूज़र नेम, IRCTC का पासवर्ड डालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेता हूँ। दोस्तों ये एक ट्रिक भी है तत्काल टिकट करने की, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाए हुए थे तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई इसमें वेटिंग चला जाता है, इसके लिए क्या करें, तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, मुझे न्यू दिल्ली से मुंबई जाना है 14 तारीख को, ठीक है, 14 मार्च को। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर ट्रेन नंबर मांग रहा है, तो ट्रेन नंबर यहाँ पर देखता हूँ क्या है ट्रेन नंबर, किस ट्रेन में बनेगा तत्काल टिकट। दोस्तों काफ़ी अच्छी ट्रिक है, मैं खुद भी ऐसी टिकट करता हूँ, ट्रैवल एजेंट हूँ मैं, ट्रैवल एजेंसी चला रहा हूँ, तो मैं खुद भी ऐसे ही तत्काल टिकट करता हूँ। और यही एक ऑप्शन होता है, और कोई ऑप्शन नहीं है IRCTC से तत्काल टिकट करने का। लोगों ने पूछा और कोई ऑप्शन है, तो दोस्तों और भी ऑप्शन हैं, सॉफ्टवेयर कुछ मिलते हैं मार्केट में लेकिन वो इलीगल होते हैं, अगर रेलवे की तरफ से आप पकड़े जाते हैं तो काफ़ी
मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ट्रेन नंबर डाला देहरादून एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पर आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पैसेंजर का नेम। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि सिर्फ 4 तत्काल टिकट होते हैं एक फॉर्म में, ठीक है। 4 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं एक दिन के अंदर, 4 टिकट कर सकते हैं सिर्फ एक फॉर्म में। तो 4 लोगों का ही नाम भर सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं भर सकते। नॉर्मल आप 6 बुकिंग कर सकते हैं, 6 लोगों की 6 पर्सन की बुकिंग कर सकते हैं, और ऐसे आप 4 लोगों की तत्काल टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। तो मैंने नाम डाल दिया यहाँ पर डेमो टिकट, और एज डाल दिया, मेल फीमेल डाल दिया, बर्थ सेलेक्ट कर दिया। अगर कोई चाइल्ड है 5 साल के अंदर का कोई बच्चा है तो उसका पैसा नहीं पड़ेगा, 5 साल के ऊपर के बच्चे का फुल टिकट पड़ेगा, तत्काल में कोई डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही डेमो टिकट आपको करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ अपना, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के जस्ट नीचे इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर है बुक ओनली इफ़ बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच, ठीक है, एक ऑप्शन ये है। और एक ऑप्शन आपको नीचे भी दिखाई देगा, बुक ओनली इफ एट लीस्ट 1 लोअर बर्थ, मतलब एक लोअर बर्थ चाहिए कम से कम तो ही बुक हो। बुक ओनली इफ 2 लोअर बर्थ, अगर 2 लोअर बर्थ हो तभी बुक हो। तो आप इन सभी में से कोई ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, ठीक है, वरना आपका टिकट नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड, इसका मतलब होता है अगर कन्फर्म टिकट हो तभी बुक हो, वरना ना बुक हो। तो अगर इस पर टिक लगा देंगे आप, ये आप बॉक्स देख लीजिए, बुक ओनली कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड, ठीक है, इस पर आपको टिक लगाना है। इस पर टिक लगा लेंगे तो वेटिंग का टिकट नहीं बनेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस पर टिक ज़रूर लगाना है। और यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन चुन लेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, जो भी आपको चुनना हो, क्रेडिट कार्ड, वो आप चुन लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप आपको लगता है कि ये सिक्योर नहीं है तो आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ मत डालिएगा, अगर लगता है कि सिक्योर है तो डालिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं करता हूँ परमानेंट, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये सिक्योर नहीं है तो आप मत डालिएगा, अगर लगता है कि सिक्योर है तो डालिएगा। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड, इसको आप बाद में भी चाहे तो डाल सकते हैं, ऐसा कोई इसमें फिक्स नहीं है कि आपको इसी टाइम डालना है यूज़र नेम पासवर्ड, आप टिकट करते टाइम भी डाल सकते हैं। तो मैं पहले डाल देता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ डेमो करके। यहाँ पर मैंने यूज़र नेम ऐसे ही डेमो डाल दिया, ये मेरा सही यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है SBI का। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सेव एंड बुक लेटर और सेव एंड बुक नाउ। तो सेव एंड बुक लेटर पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर रिमूव ऐड आया है तो इसको यस करना है, ठीक है, सॉरी गलती से नो हो गया, इसको यस करना है दोस्तों। यहाँ पर सेव एंड बुक लेटर पे जाना है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए एक टिकट मेरा सेव हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, अगर आप स्लीपर बुक कर रहे होंगे तो 1159 पे लॉग इन कर लेना है आपको, अगर आप AC बुक कर रहे होंगे तो 9:59 पे लॉगिन कर लेना, यानी कि 10 बजे AC होता है, 11 बजे आपका स्लीपर क्लास होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुक नाउ का एक ऑप्शन आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब क्लोज कर देना है, जैसे ही टाइम हो जाए आपका तत्काल टिकट का, उसके बाद यहाँ पर बुक नाउ पे चले जाना है, ठीक है। बुक नाउ पे जाएंगे तो ये ID पासवर्ड, और उसके बाद ये आपका कैप्चा पड़ेगा खाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टिकट मैंने पहले करके देखा था डेमो, जिसकी वजह से वो दिखा रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए अपने आप सब सिलेक्ट हो गया, नाम भी सिलेक्ट हो गया, ट्रेन भी सिलेक्ट हो गई, और यहाँ पर कैप्चा आने में 10-15 सेकेंड का टाइम लग जाता है, तो वो टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा है नहीं कि 1-2 सेकेंड के अंदर बुक हो जाए तत्काल टिकट, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो
10-15 सेकंड आपको वेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई एरर भी दिखा रहा है कि कैप्चा गलत है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैप्चा है, ये कैप्चा डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन, ये देखिए अवेलेबिलिटी दिखाया, उसके बाद पेमेंट के ऑप्शन पे चला गया। उसके बाद ये पेमेंट, अगर सही आईडी पासवर्ड पड़ा होता मेरा तो ये पेमेंट हो गया होता, टिकट हो गया होता। तो आप देख सकते हैं कि आप कितनी जल्दी टिकट बुक कर सकते हैं तत्काल। और दोस्तों इससे ओनली जब आप वही ऑप्शन लगा लेंगे ओनली कंफर्म टिकट वाला, तो वेटिंग का टिकट नहीं बनेगा इससे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद टिकट होने के बाद ये फॉर्म आप डिलीट कर दिए यहाँ से, उसके बाद दूसरा टिकट के लिए ऐड टिकट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो में मैंने सही से समझा दिया होगा आपको, अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। और अगर चैनल अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरा चैनल हेल्पफुल रास्ता ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके कोई पैसे नहीं पड़ते हैं। मैं ऐसे ही बिज़नेस आइडियाज़, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए, जो आपको काफ़ी मदद करेंगे आपको आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।